नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम बनाएंगे कार्तिक महीना स्पेशल साबुत मूंग दाल के खिचड़ी। साबुत मूंग दाल के कारण एक खिचड़ी और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक प्यान गरम करके उसमें एक कप मूंग दाल ले लेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, मूंग दाल का कलर हल्का चेंज हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। दाल भून चुका है, अब इसको एक बर्तन में निकाल कर इसमें पानी डाल देंगे और इसे आधा घंटा के लिए भिगो कर रखेंगे। एक कप मूंग दाल के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप सफ़ेद चावल लिया है। चावल को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर गरम करके इसमें 2 चम्मच देसी घी ले लेंगे। अब इसमें 1 चुटकी हींग, 7-8 काली मिर्च, 2 इलायची, 2-3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2-3 तेज पत्ते और 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। इनको थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें जो चावल और दाल को धोकर रखा है उसे डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। चावल और दाल को मिलाकर मेरा 2.5 कप हुआ था, इसलिए इसका डबल पानी 5 कप पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर इसको 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी आ जाने पर हम गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो जाने पर हम इसका ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए, दाल और चावल अच्छे से कुक हो गया है और एकदम खिला खिला बना है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसे बनाकर भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ डालमा और टमाटर चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।